धर्मशाला में G20 की बैठक की तैयारी पहले से चल रही थी और अब जानकारी मिली है कि डेलीगेट्स आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले रशियन डेलीगेट्स आए हैं, पहली फ्लाइट से रशियन डेलीगेट्स पहुंचे हैं धर्मशाला। एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिससे पहुंचे हैं बाकी के डेलीगेट्स भी। डेलीगेट्स का अब स्वागत किया जा रहा है, स्वागत के लिए हिमाचल के कई नेता भी मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और सांसद किशन कपूर भी मौजूद हैं। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी भी डेलीगेट्स के स्वागत के लिए मौजूद वहां पर धर्मशाला में। धर्मशाला के रेडिसन ब्लू होटल में G20 की महत्वपूर्ण ये बैठक चलने वाली है। हमारे साथ मनोज हमारे ब्यूरो कांगड़ा से जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज, आप भी धर्मशाला में मौजूद है और बहुत महत्वपूर्ण G20 की बैठक होने जा रही है, इस बैठक के बारे में बताइए और हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी गौरव की बात है कि G20 की बैठक के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को भी चुना गया। बिल्कुल कमल, देखिए धर्मशाला में 19 और 20 तारीख को जो है वो G20 की बैठक होनी है। इस बैठक से पहले सभी तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई हैं और आज सुबह जो 7 बजे पहली फ्लाइट उतरी थी उसमें रशियन और UAE के जो डेलीगेट्स थे, जो 5 लोग हैं वो यहां पहुंच चुके थे, जिनका गर्मजोशी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में स्वागत किया गया है। हालांकि स्वागत के बाद जो है उनको होटल रेडिसन ब्लू में भेज दिया गया है। उसके बाद अब जो बाकी के जो डेलीगेट्स हैं वो 1 बजे की फ्लाइट से आने वाले थे, लेकिन फ्लाइट आने में देरी हुई है, 1:30 बजे ये फ्लाइट पहुंची है। तो और डेलीगेट जो आ रहे हैं वो भी उस फ्लाइट में अभी पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात तो ये कि G20 की मीटिंग को की अध्यक्षता को इस वक्त धर्मशाला का, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला इसकी अध्यक्षता कर रहा है और बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को कि G20 की मीटिंग हिमाचल प्रदेश में हो रही है। साथ ही साथ भारत का हिमाचल है और हिमाचल में ये सभी डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं। 2 दिन की इनकी बैठक रहने वाली है। इस बैठक में कई चर्चाएँ होंगी, आर्थिक तौर पर भी इस पर चर्चाएँ होंगी, क्योंकि एक देश एक वो नाम दिया गया, एक परिवार का नाम दिया गया है, तो सबको मिलजुल कर इस बैठक में जो है वो बुलाया गया है। सभी 20 देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में और उसके बाद जो है कल सुबह 10 बजे के करीब जो है वो होटल रेडिसन ब्लू में इनकी मीटिंग चलेगी। तो आप ये मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त हम गग्गल एयरपोर्ट में मौजूद हैं और सभी जो है वो तैनात हो चुके हैं यहाँ पर। हर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं और अभी फ्लाइट अंदर आ चुकी है। फ्लाइट में जो डेलीगेट्स हैं वो इस फ्लाइट में आ रहे हैं और कुछ डेलीगेट जो है वो 2 बजे की फ्लाइट में पहुंचेंगे। तो आप ये भारी सुरक्षा बल भी देख सकते हैं, भारी सुरक्षा के दायरे में जो है इन डेलीगेट्स का स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है और अगर कोई जा भी सकता है तो जिस सिर्फ अथॉरिटी और पुलिस के जवान ही अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं उनके स्वागत के लिए जो है वो किस तरह से एयरपोर्ट में सजाया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है G20 की जो बैठक है ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जो बैठक है वो एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए ये बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। डेलीगेट्स यहाँ पहुँच चुके हैं और डेलीगेट्स का जो है वो स्वागत गर्मजोशी के साथ करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार मौजूद हैं, कांगड़ा चंबा सांसद किशन कपूर यहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी यहाँ मौजूद है और कांग्रेस की तरफ से भी जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब कुछ ही देर में जो है वो डेलीगेट्स यहाँ पहुँचने वाले हैं और डेलीगेट्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा। 2 दिन तक ये डेलीगेट जो है वो धर्मशाला में रहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह की बैठक जो बैठक है इसमें किस तरह की चर्चाएं होती है और कितनी क्या ये हिमाचल प्रदेश को देकर के जाती है। मनोज, एक बात और बताइए, क्योंकि जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है हिमाचल प्रदेश की और साथ ही पुलिस प्रशासन की भी, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं? जानकारी ये भी है कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल कमल, देखिए बाहरी विदेशी मेहमान हिमाचल प्रदेश में पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत एक परंपरागत तरीके से हो ये सभी चाहते हैं। वहीं इसीलिए जो है अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कैमरामैन से गुजारिश रहेगी कि वो पुलिस बल दिखाएं कि किस तरह से जो है
पुलिस जो है वो यहाँ तैनात की गई है। हर जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा है। दद्दल एयरपोर्ट से लेकर के धर्मशाला होटल रेडिसन ब्लू के बाहर तक भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है, और किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो उस चूक से बचने के लिए जो है हर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी मेहमान आ रहे हैं और इनका स्वागत और इनका सत्कार करना जो है वो हिमाचल प्रदेश का फर्ज बन जाता है। और ऐसे और इसी पर एक बार मैं कांगड़ा के एसपी की प्रतिक्रिया भी सुनवा देता हूँ। G20 की मीटिंग को लेकर उनसे सवाल किया गया था, आपकी ओर से ही सवाल किया गया था, एक बार उनका बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपके पास लौटूंगा और वो तस्वीरें हम दर्शकों को फिर से दिखाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए वाकई में ये बहुत खास एक पल है, एक गौरव का पल है, गर्व की बात है कि यहाँ पर विदेश के मेहमान डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो भी G20 की मीटिंग को लेकर। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत होगी, इस विषय पर बातचीत होगी, प्रौद्योगिकी पर, इंजीनियरिंग पर भी बातचीत होगी। एक बार एसपी का बयान आपको सुनाते हैं, कांगड़ा के एसपी ने क्या कहा। जैसे कि सबको पता है ये धर्मशाला में अगले कल जो है कॉन्फ्रेंस जो है G20 समिट का एक पार्ट जो है, जो थ्रू आउट कंट्री डिफरेंट जगहों पे ये कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स हो रही हैं, उसके तहत ही धर्मशाला में कल जो है ये एक कॉन्फ्रेंस जो है निर्धारित की गई है, जिसमें G20 नेशंस के जो डेलीगेट्स हैं और इंडियन जो मिनिस्ट्री और अन्य जो संबंधित विभाग हैं उनके ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस दौरान जो है उनका मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है, और पुलिस व्यवस्था के हिसाब से जो एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक और जो भी इनके लोकल प्रोग्राम्स निर्धारित किए गए हैं उस पर सुरक्षा की दृष्टि पे हमने अपने टीम्स को एक्टिवेट कर दिया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूड करके, और एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर से रिक्विजिशन करी है उनको मिला के करीब 500 पुलिस के ऑफिसर्स और जवान इसमें सुरक्षा व्यवस्था। जो हमारा सवाल था उसका जवाब एसपी साहिबान ने दे दिया है, और उन्होंने बताया भी कि कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई। मनोज, तस्वीर एक बार फिर से दिखा सकते हैं आप किस तरह से स्वागत की तैयारी की गई है G20 की बैठक के लिए, जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, एक बार वो तस्वीर फिर से दिखाइए। बिल्कुल कमल, इस वक्त फ्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है और आप ये सीधी तस्वीरें दद्दल एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहां पर विदेशी मेहमानों का जो है वो स्वागत करने की परंपरा जो है वो जारी है। विदेशी मेहमान जो है वो यहां पहुंच चुके हैं। मैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें ये सीधे यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है वो विदेशी मेहमान जो G20 की बैठक के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो जहाँ तक प्रयास रहेगा ये आप तस्वीरें सीधी देख सकते हैं, जो दद्दल एयरपोर्ट पर G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमान जो है वो पहुँच चुके हैं और उनका परंपरागत तरीके से जो है वो स्वागत किया जा रहा है। वाद्य यंत्र यहाँ स्थापित किए गए हैं, कांगड़ा टी स्टॉल यहाँ लगाया गया है, और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जो G20 के जो मेहमान यहाँ पहुँचने वाले हैं उनका जो है वो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और कुछ ही देर के बाद ये सभी मेहमान जो है वो होटल रेडिसन ब्लू के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर उनका रहने का जो है वो व्यवस्था की गई है, उसी होटल में कल मीटिंग होनी है। तो कुछ डेलीगेट जो हैं वो अभी ये फ्लाइट आई है उसमें पहुंच गए हैं, और कुछ जो है वो दोबारा जो है दूसरी फ्लाइट आएगी उस फ्लाइट में जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। कमल जी धन्यवाद, जानकारी आपने दी, तस्वीरों के साथ बताया भी है और कैसे स्वागत की तैयारी हुई है, और हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको समझने का भी प्रयास जरूर करेंगे विदेशी मेहमान, क्योंकि एक अलग परंपरा संस्कृति है, इतिहास गवाह है, हिमाचल प्रदेश सबसे अलग सबसे खास है ये हम सभी जानते हैं। धन्यवाद मनोज, एक बार फिर से आपका, आपने जानकारी के साथ तस्वीरें भी दिखाई।